गुड मॉर्निंग देखो प्रीवियस क्लास से मु केमिकल प्रॉपर्टीज प्राय 12 टा रिएक्शन दे दिली आ गोटे रिएक्शन दे दी रिडॉक्स रिडॉक्स अफिनिटी रिएक्शन रिडॉक्स रिडॉक्स हम कार्बोक्जिलिक एसिड दुई प्रकार रिडक्शन गोटे रिडक्शन से आल्कोहल को पड़ा प्राइमरी आल्कोहल आउ किसी कैटलिस्ट रिडक्शन है कि आल्केन को कन्वर्ट करे है फर्स्ट वाली कहला रिडक्शन टू 1 डिग्री आल्कोहल In presence of the reducing agent, lithium aluminium hydride, LiNH4, the carboxyl group of carboxylic acid is reduced to primary alcohol. Yang dokter lah, kalau conversion lah dokter. Kalau lepoi in presence of the reducing agent, reducing agent lithium aluminium hydride the C8H group of carboxylic acid is reduced to primary alcohol ताले रिएक्शन रे आर सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पर किरे हो कार्बोक्सिलिक एसिड या को हमें रिडक्शन कर नेसेंट हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन ताले इन प्रेजेंस ऑफ एलआईएल पक्के ताले मु एक प्लेट रे सपोज ब्रेक कर दे ओके मु एक दुईटा हाइड्रोजन पुट कर तर आर सी एच ओ एच 1 डिग्री आ गो आ एक दुईटा हाइड्रोजन ले वाटर ताले ठीक है ते मल्टीप्लाई कर बहुत बुझी पाल ना ताले ये प्रोडक्ट को पर रिएक्शन करा आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ ए प्लस वाटर या हो चुकी 1 डिग्री आपको क्लियर ताले सपोज हम लोग एग्जांपल करें और एग्जांपल फॉर दिस रिएक्शन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड This one is acidic, acidic acid. A plus 4H. In presence of the reducing agent, LiNH4. The lead to the break point of A is to the hydrogen, A is to the hydrogen. 4 alcohol fermented alone, 9 carbon, or 5 आल्केन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ताले सेकेंड वन सेकेंड वन इज रिडक्शन टू
Sankhya. So it's in the presence of Nikhil Katalis. Nikhil Katalis. Or today they say hydrogen iodide in presence of red phosphorus. At 500 degrees Celsius, the carbonyl group of carboxylic acid is reduced to alkane. कितने ही कैटालिस्ट जैसे रिडक्शन करें जाए तो देखिए अल्केन को रिडक्शन कर तैयार में रिएक्शन कर कैटालिस्ट सबस पहले देखेंगे आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड कार्बोक्सिली plus anymore H2 level hydrogenation nickel catalytic reduction then AD nickel you can see then carbonyl group reduction AD group alkene को जो ताले alkene जो बड़ा alkene के मो एक पूरा ब्रेक करते हैं क्लियर एक मो थ्री हाइड्रोजन दे ताले आर सिंगल बॉन्ड से इतने देने जाल के नहीं है ये दूसरी टाइप सी जनों आउ तीसरी टाइप हाइड्रोजन मो ये जगह है दे ताले सिक्स हाइड्रोजन आपको क्लियर तले ये फॉर्मेशन कलर सिंगल बॉन्ड CH3 दिस वन बटे अल्के प्लस टू मॉलिक्यूलर का वाटर ये फोर हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन अल्के तले वाटर पेर जो है एसिडिक एक्सीडेंस रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ निकेल का तले एग्जांपल लेते हैं CH3 C double bond this one is acetic acid plus 3H2 nickel catalyst it will be 3 hydrogen which is the product what one is the N प्लस कर के टू मॉलिक्यूलर वाटर एक्जेक्टली जब यहाँ में से एसिटी के फिर को एचआई द्वारा एचआई द्वारा रिलीज हुए जाए ताले इन प्रेजेंट ऑफ रेड फास्फोरस से रिडक्शन करेगा सेवी आल्केन फॉर्मेशन ताले केम की ये देखो सहज say CH3 C double bond O SP S plus hexide in presence of red phosphorus 500 degree Celsius clear ताले एक प्रोडक्ट कौन हो चुके हैं ये सेम दीवार पर तेरे ये जो पिंटा हाइड्रोजन है की तरह का नहीं ये ताले हमें इथेन पर निर्माण कर देना CH3 सिंगल बॉन्ड है CH3 है मुझे पता
flux, hydrogen, এখানে আয়োডিন আছে ওটা আয় পরে ব্যালেন্স করিবা আয়োডিন প্লাস করব ওয়াটার হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে ওয়াটার এই জোড়ে অক্সিজেন আছে তাহলে টু মলিকিউল অফ ওয়াটার বুঝি পাইল তাহলে বর্তমানে এই তিনটা হাইড্রোজেন ছিল তাহলে এই তিনটা হাইড্রোজেন তাহলে এই কেতে ও ফোরটা হাইড্রোজেন তাহলে এইটি মু কোন করিবি এই আউ তিনটা হাইড্রোজেন বুঝি পারল তাহলে আমি দরকার হল কত 6 এই মু 6 করতে আইডিন কতটা হয়ে গেল 6 টা তাহলে জি ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ জানি তাও কনভার্সার দরকার ও বটে এমনি তো পড়ি যাবে হ্যাঁ বাস এর ডিসি জলে বাও एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूजेस कहिबा हर्मिक एसिड ने एसिटिक एसिड गोटे दिटा यूज तुमको मन रखिया पाई पडियो कने से सब सिलेबस रे अछि बच्चा सब कुछ से ना से पारे ताले यूजेस यूजेस रे फर्स्ट वन होची फॉर्मिक एसिड रो फर्स्ट तो डी वन यूज ऑफ फॉर्मिक एसिड और वन यूज ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड को उतरे यूज करा जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज करा जाए फॉर डाइंग पर्पस कलर का हैला लगी भी यूज और डाई इन टेक्सटाइल उसी बारे में हम बात करेंगे टेक्सटाइल का सूत्र है सूता कलर है और डाई परपज रे यूज करा जाए कलर करा सेकंड वन इज used to manufacture medicine manufacture करके medicine से यूज रे भी लागे आ गोटे यूज माने रखबो करा इट इज यूज टू रिमूव Hidden line in textile. So textile industry रे जो जितने processing करा जाए, से कपड़ा रे सो alkali लगे जाए, alkali lime lime का calcium hydroxide चुनो. So hidden नाम उसका रहता है. से रोहिले कलर करे जो अंतर को remove करिए भाई acid भाई जो से कंगी ब्राउन कर दीजिए मटे. Okay. वन टू टू यूज तुमको मन रखा पाई पड़ो बिकज ये सब इनक्लूडिंग इन योर कोर्स सपोज एसिटिक एसिड रो गोटे जोड़े यूज सेकेंड वन सी एच थ्री सी डबल ओ एस एसिटिक एसिड इट इज यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ईस्टर तैयार करते हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन करते एसीटन फॉर्मेशन होते हैं सेवरल कंपाउंड से गुड फॉर्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं बुझ लो लाइक इट इज यूज टू प्रिपेयर सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds like ester anhydride acetone etc second one
used as a solvent in different chemical reactions. Different chemical reactions. Different chemical reactions re solvent akar use kara jaye je solution formation kara jaye tari je use re je khote solvent tale har one used for carrying fish and meat. Would you like? Fish and meat. Jo, chala, tarkari sabu kara jaye na, stick ek stick paka. Chala, dinai gar. Or tuan si use as vinegar in pickles. आचार तैयारी करा दा भिनेगर नहीं की तो वो हटे जी भिनेगर तो कोई भी ना नहीं और तो 6% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड और तो 10% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर ले लोटे जोड़े ये कुछ मदर बस यार किसी लोटे जोड़े कन्वर्सन्स कोई भी इम्पोर्टेंट कन्वर्सन जोड़ा एग्जाम में तो मार्क्स रहा मुझे लो conversion first one is so you convert formic acid to acetic acid and vice versa then acetic acid to formic acid hela pratyek to mass first conversion kai formic acid to acetic acid. A conversion sabu important pada kore ye two marks question asi hola formic acid ro to be convert karo acetic acid. Tale तो कन्वर्सन जब इस सब रिएक्शन जाने के वो ताले कन्वर्सन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड सी डबल ओ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कंटेंट साले वन कार्बन एक मोट डबल कार्बन को कन्वर्ट करेगी एसिटिक एसिड। अरे मुझे हाँ कर देंगे तार खाली सही पर्टिकुलर मेरे करा दे परिवर्तन एनी करेक्ट रिएक्शन अप्लाई करके तुम्हें कन्वर्सन कर बट ट्राई करियो के सबकट मेथड स्टेप पे तुम्हें कन्वर्सन कर ओके ताले फॉर्मिक एसिड टू यदि मो रिडक्शन कर देबे पड़े यदि रिडक्शन कर दिया जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तले कौन फॉर्मेशन हो प्राइमरी एल्युमिनियम तले के ओनली वन कार्बन तले वन कार्बन अल्फ के बारे विधान हो कि नहीं ध्यान दो आप बाय प्रोडक्ट कन्वर्शन ने लिखा था तले के फॉर्मेशन है गला CH3OH मिथाइल अल्कोहल हमको टारगेट अच्छे एसिटिक एसिड को तले को डबल कार्बन को कन्वर्ट कर ना ऑक्सीडेशन कर ले तो पुणे एसिड को कन्वर्ट जो फॉर्मिक एसिड तले वर्तमान मां करेंगे आपको पीसीएल 5 और पीसीएल 3 और एसओसीएल को ठीक कर ओके अल्किल हैलाइड पड़ी
তাহলে এ ফরমেশন করিব CH3Cl মিথিল ক্লোরাইড ইয়ার বাই প্রোডাক্ট লিখিবা আবশ্যক নাই POCl3 এন্ড HCl মিথিল ক্লোরাইড কো মো বর্তমান ডাবল কার্বন কো কনভার্ট করি পারি তাহলে কো রিয়েজেন্ট এপ্লাই করি KCN ध्यान दो कार्बन इंक्रीज करे माने KCN चेंज कर अल्किल हलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है HCN HCN तो HCN तो आइसो नाइट्राइल सियानाइड भाई हो ना आइसो सियानाइड है असली बोल रही आइसो सियानाइड ही जो हम तो सियानाइड करते हैं है ना তাহলে এই হচ্ছে CH3CN আসি ট্রিপল বন্ডেন দিস ওয়ান ইজ টি সিয়ানাই তাহলে তুমি মতে কই চ্যাপ্টারে মু পড়ে দি মিথিল সিয়ানাই কো কোন কলে আমি ডাইরেক্ট অ্যাসিডি কেসি পাই তাহলে মিথিল সিয়ানাই কো মু অ্যাসিড কে হাইড্রোলাইসিস করি দেবি আগে না लेकिन ये दबाव में वाटा ने डायलूटेस येल ये फास्ट आवाज जाए पुनी पुनी कन्वर्ट हो जाए बट तुम्हें डायरेक्ट लिख दो वो से डबल का बोल लो एसिटी के सी सी थ्री सी डबल लो दिस वन कौन पढ़ ला दे टू मार्क्स क्वेश्चन पढ़ियो कन्वर्ट फर्मी के सी टू एसिटी के सेकेंड कन्वर्शन ताले एसिटिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड होता है सी एच थ्री सी डबल ओ एट टू एट सी डबल ओ ताले सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो एसिटी बुझिला एक कार्बन हम को रिड्यूस करेगा अपन पर हाँ कि नहीं जदि एसिटिक एसिड को हमें कम करीबा कि नेट मु एम वन रिएक्टिव कर देने थ्री बुझी पारे जदि एमोनिया बाय एमोनियम हाइड्रोक्साइड अल्कली टिप कन्वर्ट करि जो सॉल्ट तले एही को को करि से एमोनियम सॉल्ट सी थ्री थ्री डबल ओ एन एच पूरी तक को हिट कर या हाइड्रोजन नहीं ऐसे रामायण को कन्वर्ट कर तले एही को टिप कर दे हिट कर तले तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू इस वाली एसिटा माई हमारा एसिटा माई जो एसिटा माई को हमें वर्तमान कौन परिवार कार्बन को में एसिड अमाइड को कार्बन को रिएक्शन अप्लाई करके कार्बन कमा जाए ना उड़ा हॉपमेंस ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ी जो क्या है ना उनको नेक्स्ट आमिन चैप्टर है वो पढ़े ही पढ़े ही भी आज स्विच कन्वर्शन कोई दो चीज़ वे पहले मन में तो ये हॉपमेंस ब्रोमामाइड का उनकी ब्रोमी वाटा है ना पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ब्रोमी एक और सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमी ने रखे हुए से रिएक्शन को कहते हैं हॉपमेंस ब्रोमामाइड रिएक्शन हला ना हॉपमैन से लगा ये हॉपमैन से ब्रोमामाइड तले एक तुम्हें कौन को राजा है ना एसीओ हटिता नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े भी इधर ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हॉपमैन से ब्रोमामाइड ऐसे तुम्हें खाली इतने ध्यान दियो जैसे कार्बन को मार जाए हॉपमैन से ब्रोमामाइड को के लिए सीधा माइट कन्वर्ट कर जाए प्राइमरी अणु मामिन चैप्टर में पढ़े ओके रिफॉर्मेशन कला CH3 NH2 मिथिल
তাহলে কার্বন রিডিউস করে কি না কার্বন কমে নেক্সট আকো কম করিবা নাইট্রোস অ্যাসিডে ট্রিট করিবা তাহলে ইকো যদি আমি নাইট্রোস অ্যাসিডে HNO2 নাইট্রোস নাইট্রোস অ্যাসিডে ট্রিট করি দিলে সে অ্যালকোহল কো কনভার্ট করে কেমিক্যাল এই যে বন্ড ব্রেক করে যায় এই যে বন্ড ব্রেক করে যদি মোয়ে এ এটা বাই প্রোডাক্ট হয়ে গেল তাহলে মিথিল অ্যালকোহল হয়ে গেল তাহলে ফরমেশন হলো CH3 কেটে কি রে ওই এটা মিথিল অ্যালকোহল ক্লিয়ার তাহলে মিথিল অ্যালকোহল কো আমি কম করি বা অক্সিডেশন করি এসিডে ফার কেটু সিয়াস কো হচ্ছে এই প্র্যাকটিস দরকার বহুত প্র্যাকটিস করি সব মনে রাখতে হবে না এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ই আউট কেটু সিয়াস কো হচ্ছে এই ব্লক আর এসিডে ফার কেমেন অফ করবে না আর অ্যালকালাইন কেমেন অফ স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ये सेम कार्बन आल्डिहाइड में फर्दर ऑक्सीडेशन है रेसिप तुम्हें डायरेक्ट से सेम कैटालिस्ट है तो डायरेक्ट तो वन कार्बन लो तुम्हें कौन कर बैठे हैं लेकिन तले वन कार्बन रो एसिड के और मी अरे बुझी पालो कि रे सिंस कंबर और मी कैसे तो एसिड के एसिड है एसिड के एसिड तो और मी कैसे इट्स टू मास कैरिंग टू बुझी पालो सपोज तुमको आ गोटे इंपोर्टेंट कन्वर्सन कहिबे आर वन मिथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड टू कन्वर्ट कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड ये वन कार्बन एसिटिक टू कार्बन तले मिथाइल अल्कोहल तुम्हें कौन करेगा मास ये मिथाइल अल्कोहल ये को PCl5 फिट कर दे ओके तले कोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो CH3 ओए थर्टी बो सीएल बटे लगी हो बाइक प्रोडक्ट हो जो पी ओ सीएल गेट इट सी ताले दिस वन इज मिथिल क्लोराइड मिथिल क्लोराइड को तुमने केसीएन फिट कर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक कार्बन इंक्रीज करेगी रिच CH3 सीए मिथिल सियानाइड ताले मिथिल सियानाइड तो तुम ऐसे नहीं कि हाइड्रोलिसिस ताले ये कैन गेट हटे ठीक ताले एक बार में वाटर इन कार्यों के सीएल ताले ये फॉर्मेशन का ही वो CH3C डबल ओ एसिटी दिवालों के लिए देखोसे पीएमटी परिवर्तन मोड मिथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इन थ्री स्टेप्स तुम्हें फोर स्टेप रे भी कर पा रहे हो फाइव स्टेप बट तुमको थ्री स्टेप रे मार सर एक भी अप्लाई और अब बुझ पा लो मांगो कन्वर्ट मिथिल अल्कोहल टू एसिटिक ये वर्क स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 का दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंटिक और तन एरोमेटिक एसिड्स पर बुझी लो ताले एरोमेटिक एसिड
एरोमेटिक को सेपरेट कर दोसी यदि लॉन्ग क्वेश्चन आसे सेम दी पढ़ा ओके एरोमेटिक एसिड होसी यदि कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन रिंग दैट इज कॉल्ड एन एरोमेटिक एसिड हैला एडी कहला हियर दैट कार्बोक्सिल ग्रुप सी डबल आई इज डायरेक्टली लिंक एन एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक लाइट पहले डी एरोमेटिक रिंग बेंजीन एडी सी डबल ओ कहते याद नाम उसे बेंजोइक एसिड और नया नाम बेंजोइक ये बेंजोइक एसिड को तुम एंटी भी लिखने पारे बोले ए आ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बुझी पारे ए आर तीन सौ चालीस आर तीन से बेंजोइक क्लियर ताले यार आप जोड़े कंपाउंड प्रो नेमिंग कर कर वो सपोर्ट सी डबल ओ एच अठ पोजिशन ए सी डबल ओ एच रे डाई कार्बोक्सिल एरोमेटिक एसिड या नाम हो जो हैलिक एसिड नाम कौन किरे हैलिक एसिड सपोज एनदर सी डबल ओ सी डबल ओ पारा पोजीशन तुम जानि चाहिए अर्थ मेटायन कौन किरे पारा इस नेम इज टेरिफेरिक एसिड टेरिफेरिक बुझला सपोज आ गोटे कंपाउंड फॉर्मूला मने रखिबो दरकार हो एक्स एडी ओ एस ए सी डबल ओ यार नाम कौन है यार नाम हो जी सालिसिलिक एसिड है ना कौन कौन मेरे सालिसिलिक एसिड है ना बुझी पालो आओ दो ये आजा सिवो देख यार हमें प्रिपरेशंस पड़ी प्रिपरेशन सब ऑफ एंजॉय के सी प्रिपरेशन प्रिपरेशन सब ऑफ एंजॉय के सी फर्स्ट वन इज कहीं बाय ऑक्सीडेशन सब अल्किल बेंजीन रे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन यदि अल्किल बेंजीन को हमें ऑक्सीडेशन करीबा You can get a benzoic acid in presence of the oxidizing agent alkaline KMnO. In presence of potassium permanganate alkaline alkyl benzene.
oxidized into benzoic acid. Alkyl benzene will be oxidized into benzoic acid. Suppose we have to take one example for this reaction. Example one. This one is methyl benzene, or that is toluene. Yeah, we can be perfect. Toluene. When subject carried to oxidation in presence of alkaline potassium permanganate, the toluene will be oxidized into C-double-O-S. This one is benzoic acid. Regarding C, jodeonio, it is good day, sandwich hydrogen, now what oxygen water? The lady balance is in the quality of the liquid, but the liquid is 3.5. The last one here, water, clear yellow. Suppose another reaction coily, CH2CH3, or that is C2H5. So what is the name of this compound? Ethyl benzene. Ethyl benzene. Most statement re koichi any alkyl benzene to any alkyl. Ethyl benzene or toluene or propyl benzene. If the oxidation kara jaye, to main aapki mujhe ki benzoic acid. By product jare by chance ho lela bhi tension na hota. Clear? The ethyl benzene oxidizing agent of alkaline potassium permanganate KNO, which gives rise to benzoic, that is C-double-O-S. This one is benzoic. Clear you? Plus by product will likely go see the RC Jode 188 acid is on that. How you put a carbon noise up? By product any value of CO2 or hydrogen oxygen which is not a very enough water. Which I go to my balance. There is C double O but H the carbon of beta oxygen, hydrogen charita out to the 2 molecule of water. The oxygen catatanical electron, 2 4. It is 6 be multiplied by more balance hours to get that. A byproduct molecule with a full mark. Clear? Yeah. Suppose Koila Kuntu Kaiba complete the reaction. The question Koila complete the reaction. First one, they see. It is CH3CH2. Oxidation alkaline potassium permanganate. Yaar naam ko kaun jaane chha tumhe? Orthoxylene. Kaun jaane chha re? Orthoxylene. The orthoxylene when subjected to oxidation produces
ऑक्सलिक एसिड ये पहला पर वाला तारे सपोज सेकेंड वन इज कंप्लीट करीबा पाई CH3 इस वाले की पारा जाएगी ये सब्जेक्ट के जो ऑक्सीडेशन अल्कलाई पोटेशियम पर मंगाने तो ये कंप्लीट डायरेक्शन ये को कंप्लीट कर ताले तुम्हें जानने चाहिए अल्किल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ताले आर एन सारे की कौन हो ये हो जी हल्ली के एसिड फॉर्मेशन करी बस ना हो जी हल्ली के एसिड ताले यार कौन हो तुम्हें C double O A. This one is carbocalic acid. Clear? The carry question is to the solve. Are you okay? The first preparation style. It is by oxidation of alkyl benzene. In presence of the oxidizing alkali came in a form. Alkyl group of aromatic ribulic oxidized into carboxyl group. Okay? Yeah, good enough. Now, second preparation study. Second one. By oxidation of benzyl chloride. By oxidation of benzyl chloride. Mane side chain halogenation aromatic compound. हला जदि साइड चेन ने हैलोजन लागी छी ताकु जदि हम ऑक्सीडेशन करीबा से फास्ट कन्वर्ट हे जीव ते हैलाइड टू बेंजाइलाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू बेंजाइलाइड ओके और डायरेक्ट बेंजाइल क्लोराइड व्हेन बेंजाइल क्लोराइड इन एन ऑक्सीडेशन with alkaline mercury potassium permanganate और तुम्हें K2Cr2O7 भी कहीं पर वैसे आए clear alkaline के में produce benzoic acid पहले रिएक्शन देखो ये दिस वन इज CH2Cl ये बेंजाइल क्लोराइड दिस वन इज व्हाट इज बेंजाइल क्लोराइड व्हेन बेंजाइल क्लोराइड on oxidation jadi ek oxidation kara jaye sei alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2 first se convert is oxidized into benzaldehyde CHO benzaldehyde that is CHO C गोटे H आउ जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बुझिलो आउ हाइड्रोजन क्लोरीन HCl बाय प्रोडक्ट देखबा बसतो
ये पेंटाल डिहाइड को जो अगेन ऑक्सीडेशन करीबा ये तो ये भी कन्वर्टेड है टू सी डबल ओ इस वन व्हाट इज एंजॉयिंग सेम ऑक्सीडाइज मिला C2H5 CN करेंगे ना नहीं बंदे के बाद डायरेक्ट रिग्रेट COH लाइक ये पे को कोई हार्ट रिग्रेशन लाइक तीन नंबर ऑफ रिग्रेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल सियानाइड By hydrolysis of bentonitride, ये important है ये. Bentonitride, मतलब phenyl cyanide को कहा जाए bentonitride. This one is phenyl. Jadi yang sokol pun kira benzonitride clear. Jadi elementik kira pada itu alkil cyanide dan nitride bersih itu hydrolysis dale. Pas amide itu convert kari go, again hydrolyze kari dale, bersih itu convert. Dale ini reaction compound. When benzonitride, important ada, important dari itu. Benzonitride is on hydrolyze, if I is on hydrolysis, in the presence of dilute HCl, dilute produce as a benzoic acid. Tale reaction dekho. This one is a C triple bond category. This is phenyl cyanide. Or other now. Benzonitride. Exam में वैसे benzonitride नाम दे पड़े. मने रही है? Benzonitride. ना सियानाइ का सफिक सोची नाइजा. जितना को ट्रिप करीबा में वाटर ने डायल के सीए. आगे सियामाइड को कन्वर्ट करेंगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर देले बेंजोइक एसिड ऑक्सीजन एक कार्बोनेट में जुड़े हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक डाले हुए सी बेंजामाइड डाले सी डबल बोंडो डाले टू टू थ्री फोर क्लियर डाले सी ओ एन एच टू name is benzamide again on hydrolysis with HCl tale ei place re tume bond ko clip kare clear ere moy tale ye report tale ye tale kuch gifta pro C double bond OH benzoic acid. Decorate it with the volumes of ammonia again. But this reaction is continuing in presence of acid. Ammonia HCl missing is neutralized. There is plus one alone. NH4. Jadi bhi tumhe ammonia HCl that's also right. Jadi bhi kichhi knowledge mile tai bhi full mark paibo.
और ये रिएक्शन को तुम्हें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नॉलेज की डायरेक्ट मिले ओके बेंजोनाइट्राइल व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस बेंजोइक हॉट प्रिपरेशन हॉट प्रिपरेशन पे बाय कार्बोक्सिलेशन सफ आरी मैग्नेशियम हलाइड दैट मींस ग्रिग्नास जेन बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरी मैग्नेशियम हलाइड आरील मैग्नेशियम हलाइड को कहा जाए कौन रिग्नास रिएजे तो मैं आरील मैग्नेशियम हलाइड एंड आरील मैग्नेशियम हलाइड आर कॉल्ड रिग्नास यदि हमें आरील मैग्नेशियम हलाइड रे CO2 गैस को बबलिंग करेगी पास करेगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई फास्ट यील्ड्स एन एडिशन प्रोडक्ट व्हिच देन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड ओके ताले केम प्यार रिएक्शन आरिल मैग्नेशियम हलाइड आरी मैग्नेशियम हलाइड ArMgX तो मेरे फिनाइल मैग्नेशियम क्लोराइड नहीं पाने ब्रोमाइड नहीं पाने आयराइड नहीं ओके आरी मैग्नेशियम हलाइड वेन बबल्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हॉट फास्ट यील्ड्स एन एडिशन प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट which then on acidic hydrolysis decompose to produce as a benzoic acid here और तुम्हें लगे वो हुए CO2 gas is bubble from एनिथ्राल सॉल्यूशन सपारील मैग्नीशियम हलाइड यदि हुए एमसीओ टू गैस इज बबल थ्रो एनिथ्राल सॉल्यूशन सपारील मैग्नीशियम हलाइड हैज यील्ड्स एन एडिशन प्रोडक्ट व्हिच देन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस व्हाट इज बेंजोइक एसिड ताले रिएक्शन यार हमें एग्जांपल करें This one is Mg bromine suppose maybe okay phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide phenyl magnesium bromide yani carbon dioxide gas bubbling kareva C double bond ho ye double bond एथर एवं मार्क देखो ये जो MgBr को लेके ऑक्सीजन रिएक्शन कर ये आरिल ग्रुप को लेके कार्बन रिएक्शन कर
तुम्हें एक लेसरेंट सन करी पाए तो अरे ओके तो लारी तुमने की कार्बोनेशन करी हो एमजीबीआर कॉक्सी है ताले फास्ट ईयर से नेशन पड़ा डरे सी डबल बोनो सिंगल बनेगा ओ एमजी ब्रोमी किया देखो रे आरेन लागे लागे सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ एन जी दिस वन इज एन एडिशन प्रोडक्ट क्लियर ये कू दुनिया में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेगा वाटर एन एच प्लस पहले ये ऑक्सीजन को मैग्नीशियम और बॉन्ड को क्लिप करेगा ये हाइड्रोजन के OH को पहले कोर फॉर्मेशन कला यानी बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन C डबल बॉन्ड OH दिस वन इज बेंजोइक एसिड प्लस MG OH ब्रोमीन बेंजोइक एसिड है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यार नाम कौन के रहे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कितने प्रिपरेशन पड़ेंगे चार प्रिपरेशन है ना आज ही पाई कितनी की पड़ी हुआ मार्च नेक्स्ट क्लास से आओ और ओके तीन मॉनोलेज पढ़ा कर दो कब करते हैं